गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा आसान ट्रिक के साथ गुणा कैसे करें। दो संख्याओं का आसान ट्रिक के साथ गुणा करना मैं आप आज को इस वीडियो में सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे नए और वीडियो देखने के लिए। आज हम लेते हैं सबसे पहले एक छोटी सी संख्या जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हमने ली 56 और 11। आपको पता है 11 का पार्ट बहुत आसान होता है, इसलिए सभी को आसानी से हो जाता है। लेकिन हमें बस आपको समझाने के लिए मैंने छोटी संख्या ली है, फिर आप बड़ी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हम पहले गुणा करेंगे इसको इससे, जैसे ये 56 11। सबसे पहले 6 को 1 से गुणा करना है, फिर जो संख्या आए उसको लिख देना है। अगर आंसर वाली संख्या आए तो पहली संख्या लिख के आंसर आराम ऊपर लिख देनी है, जो आपको बाद में जोड़ने के लिए आसानी हो जाए। जैसे 6 और 1 से गुणा किया, 6 आया। फिर इनका करना है वज्र गुणा, जैसे 5 का 1 से करेंगे तो 5, 6 का 1 से करेंगे तो 6। दोनों का वज्र गुणा करने पर जो योग आता है उन योग को जोड़ लेना है। और जैसे 6 और 5 का योग आ गया 11, 11 लिखा, 11 का 1 लिखा और 1 लगा दी आंसर हमने। फिर करना इन दोनों का गुणा होने के पश्चात 5 का 1 से गुणा करना है। 5 का 1 से गुणा करने पर 5 और वो आंसर 1 6। इसका उत्तर आ गया 616। अगर ये आपको अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब ये आप विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप और भी ले सकते हैं। और अगर इसका आपका एकदम सही सोल्यूशन देखना है, मतलब सही है या गलत, इसके लिए आप गुणा भी कर सकते हैं। ये कंपटीशन की एग्ज़ाम में बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही कम समय में आप इसे गुणा कर सकते हैं। जैसे आप गुणा करेंगे 6 का 1 से गुणा 6, 5 का 1 से गुणा 5, फिर गुणा का निशान 6 का 1 से गुणा 6, 5 का गुणा 5, फिर 6 का 6, 5 से 6 11, असल 1 6। 616 उत्तर आ रहा है। और हमने वैसे 1 सेकंड में ये ऐसे उत्तर निकाल दिया। इस तरह आप अनेक और ले सकते हैं, जैसे 67 78। ऐसे बड़ी संख्या आने पर डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ, इसलिए बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। तो 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 56, तो 56 का 6 लिख दिया, 5 आंसिल। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 7 7 49 49 और 8 6 48। फिर प्लस में 5 और जोड़ देंगे आंसिल, तो 9 8 17 5 22 आंसिल 2 4 2 8 2 10 102। तो हम 2 लिखेंगे, 10 आ जाएगी आंसिल। फिर 7 का 6 से गुणा 42, 42 में 10 जोड़ देंगे तो 52। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको भी आपको पूरी तरह से देखना है सही है या गलत, इसके लिए आपको 67 का 78 से गुणा करना होगा। तो 8 का 7 से 56, 5 48, 6 से 48, 6 53, 5 53 सॉरी। फिर 7 का 7 से 49, 4 7 का 6 से 42, 4 46। तो हम इसे जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 6 का 6, 9 का 3 से 9 3 12, आंसिल 1 4 5 11, 1 12, आंसिल 1 5। ये देखो हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से आप और प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न करने में बहुत कम समय लगेगा और आप सभी प्रश्न हल कर सकेंगे। धन्यवाद।